हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो कैसे हो सारे, आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए हमेशा की तरह। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले लाइट रूम से फोटो एडिटिंग। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो यार, इस टाइप की एडिटिंग होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर। तो बस यार, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना, आप इजिली सीख जाओगे यार कुछ इस टाइप का एडिटिंग करना। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो बस यार एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर यार सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलो यार, चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके सो गाइज, हम लोग हमेशा अपने मोबाइल में पिक्सट को ओपन करते थे, इस बार हम लोग ओपन करेंगे अपने फ़ोन के अंदर लाइट रूम को। तो यार हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके सो गाइज, जब आपका लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा ठीक है, तो उसके बाद आपको इस वाले फोटो को, जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो उस फोटो को यार आप लोग ऐड कर लेना। जैसे कि मैं कर लिया हूँ, जिस फोटो को एडिट करना तो मैं उस फोटो को ऐड कर लूँ, तो आप लोग भी इस टाइप से कर लेना। और उसके बाद आपको फिर ये करना कि जब आप फोटो को ऐड कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर लाइटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो लाइटिंग के ऑप्शन में चले जाना, जहाँ पर यार आपको एक्सपोजर को इंक्रीज करना 0.20 एंड कंट्रास्ट को यार डिक्रीज करना -5 रखना। ओके एंड कर, यहाँ पर आप लोग को फिर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आप लोग को फिर कलर वाले ऑप्शन में आ जाना। एंड कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद ओके सो गाइस, कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग वहाँ पर विवरेंस मिलेगा, तो हम लोग विवरेंस को इंक्रीज कर लेंगे कुछ 68 के आसपास रखेंगे। एंड सैचुरेशन को डिक्रीज कर देंगे -4 के आसपास रखना। एंड उसके बाद उस ऊपर की तरफ दिख रहा होगा मिक्स टूल, तो मिक्स टूल में चले जाएंगे। एंड मिक्स टूल में जाने के बाद जो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है आप लोग को रेड कलर, तो अगर रेड कलर का अगर आप लोग हुए इंक्रीज करो तो ये लिप्स पे इफेक्ट लाती है आप लोग। जैसे कि मैं फोटो जूम करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, जूम करके आप लोगों को मैं फोटो दिखा देता हूँ कि लिप्स पे इफेक्ट ला रही है ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ यार हुए को इंक्रीज डिक्रीज, तो आप देख सकते हो कि लिप्स पे ये इफेक्ट ला रहा। उसके बाद गाइस, आप यहाँ पे सिंपली कि हम लोग पिंक कलर का लिप्स रखेंगे यार, तो उस टाइप से हुए को डिक्रीज में रखते हो हम लोग सैचुरेशन को यार इंक्रीज कर देना। उसके बाद हम लोग सेकंड ऑप्शन जो है ऑरेंज कलर, वहाँ पे आना। एंड वहाँ पे अगर आप लोग हुए को इंक्रीज करोगे तो यार बैड इफेक्ट, मतलब पूरा गंदा इफेक्ट हो जाता है बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड के पीछे, तो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए हम लोग सैचुरेशन को डिक्रीज करेंगे एंड लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे। इसलिए होता है कि हमारा फेस जो है वो क्लीन करता है ठीक है। वो मैं दिखा दूँ तो आप लोग को जूम करके ठीक है। अगर देखो आप सेकंड ऑप्शन जो ऑरेंज कलर, वहाँ पे अगर आप लोग सैचुरेशन को डिक्रीज करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि फेस के अंदर कैसा भूतिया बन गया अगर पूरे सैचुरेशन को डिक्रीज कर दोगे। तो यार पूरा नहीं करना, आप लोग अपने जैसे करना, जहाँ पे बेटर लगे उतना आप लोग सैचुरेशन को डिक्रीज में रखना, समझ रहे हो। एंड उसके बाद आप लोग लुमिनेंस इंक्रीज करना, उसके बाद आपको चले आना येलो कलर पर आना। येलो कलर पर आने के बाद आप लोग हुए को डिक्रीज कर देना हल्का सा ठीक है। एंड उसके बाद येलो कलर में आने के बाद आपको हुए डिक्रीज कर देना एंड सैचुरेशन, जैसे मैं कर रहा हूँ सिर्फ करना यार, क्योंकि मैं फायर कंसेप्ट बनाने का ठीक है। फायर कंसेप्ट कैसे बनेगा, फायर कंसेप्ट ठीक है, तो सेम आप लोग ऐसा करना। एंड ग्रीन कलर में आने के बाद आप लोग को हुए को डिक्रीज कर देना एंड सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी कलर दिख रहा है सारे को आप लोग का सैचुरेशन को डिक्रीज कर देना ठीक है। जितने भी बाकी जितने भी यहाँ पे कलर है सारे का सैचुरेशन को सिर्फ डिक्रीज कर देना ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पिंक कलर का सैचुरेशन को इंक्रीज करना, बाकी फिर यहाँ से आपको मिक्स टूल को यहाँ से डन कर देना ठीक है। एंड उसके बाद आपको नीचे की तरफ इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो इफेक्ट का ऑप्शन में चले आना। और उसके बाद इफेक्ट का ऑप्शन में जाने का यार, उसके बाद आपको टेक्सचर को इंक्रीज करना एंड टेक्सचर को इंक्रीज कर देना कुछ 6 के आसपास। और उसके बाद यार आपको विग्नेट को डिक्रीज कर देना, टेक्सचर को इंक्रीज करना इफेक्ट में, और उसके बाद सिर्फ विग्नेट को डिक्रीज कर देना ठीक है। विग्नेट को आप लोग कुछ -19 के आसपास रखना, उसके बाद यहाँ से आप लोग को इफेक्ट में से भी डन कर देना ठीक है। और उसके बाद आपको आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। अभी अब हम लोग का यहाँ पे से मेन स्टेप स्टार्ट होता है ठीक है। अब हमारा मेन स्टेप है, तो आप लोग ये मिस मत कर देना यार, मिस करोगे भी नहीं। तो ये हमारा मेन स्टेप है कि हम लोग वहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन मिले, तो प्रोफाइल का ऑप्शन में चले जाएंगे। प्रोफाइल का ऑप्शन में जाने के बाद काफ़ी सा यहाँ पे आप लोग को फिल्टर देखने को मिलेगा, बहुत सा। तो यार यहाँ पे से हम लोग जो फिल्टर यूज़ करने वाले हैं फायर कंसेप्ट के लिए, फायर इफेक्ट के लिए, तो वो जो है वो आर्टिस्ट के 03 है, आर्टिस्ट के 03। तो आर्टिस्ट के 03 को हम लोग यूज़ कर लेंगे। और उसकी अमाउंट जो है, उसकी अमाउंट को हम लोग कुछ इस तरीके से है, अमाउंट को हम लोग रखने वाले हैं 112 के आसपास ठीक है, 112। सो इतना पे रख के हम लोग यहाँ से डन कर देना ठीक है। एंड गाइस, उसके बाद हम लोग यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर फाइनली देख सकते हो कुछ इस टाइप से बिफोर एंड आफ्टर। तो हमारा रेडी हो चुका है यार, फायर इफेक्ट हमारे फोटो के अंदर आ चुका है। सो गाइस, और कुछ भी नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, मतलब और कुछ बताने को रहा भी नहीं यार। अगर फेस के ऊपर आपका रेड कलर आ जाएगा तो उसको आप स्नैपशीट के अंदर जाके वहाँ पे सिलेक्टिव कर लो। जैसे हम लोग यहाँ पे से फेस के अंदर रेड आ गया ना, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि वो खत्म कैसे होगा। तो आप अपने फोटो को लेकर चला ना यार स्नैपशीट के अंदर, एंड स्नैपशीट के अंदर लेकर चला होगा अपने फोटो को। उसके बाद आपको यहाँ पे पेन का आइकन दिखेगा ठीक है, तो पेन का आइकन पर चले आना। एंड गाइस, पेन का आइकन पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्टिव दिख रहा है ना, ये वाला सिलेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वाले सिलेक्टिव के आने के बाद सिलेक्टिव को ले लेना एंड फोकस करना अपने फेस के ऊपर ठीक है। एंड इसकी सर्कल को आपको फेस इतना ही रखना ठीक है। एंड उसके बाद आपको इसका ब्राइटनेस को, सेंटर साइज को यार सेट कर लेना, उसनेस को इंक्रीज करना एंड सैचुरेशन को आप लोग को डिक्रीज कर देना। इतना सैचुरेशन को डिक्रीज करना जितना सा आपका वो जो अगर कलर आ जाएगा, कलर आया रहेगा आपके फेस के ऊपर, वो ख़त्म हो जाए। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इफेक्ट ये रेड था कैसा था। एंड बाकी बात
हटाओ एंड अपने फोटो को सेव करने के लिए ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे डन का ऑप्शन दिखेगा कॉर्नर में, तो आपको इसको यहाँ से डन पे क्लिक करना और आपका फोटो यहाँ से सेव हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा हटके थे यार, इसलिए काफ़ी दिनों से मैं पिक्सआर्ट ही कर रहा था, तो मैंने सोचा यार चलो अब लाइटरूम की एडिटिंग एक ट्यूटोरियल लाइटरूम का ट्यूटोरियल लेके आ जाता हूँ, तो बस और क्या लेके आ गया। सो बाय यार, मिलता हूँ किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय।